Hello friends, now in this lesson we are going to continue the discussion that we were having in the last lesson. So we were discussing kinetic theory of gases and thermodynamics, and we had covered few questions from those two topics. And in this lesson we are going to cover few more questions, mainly from thermodynamics, about different types of thermodynamic processes, Carnot engine, refrigeration and all. So this lesson is going to be very important for you from NEET point of view, and please watch it, and if you like it, please share it to your friends as much as possible. Thanks. Now let's discuss few more questions on thermodynamics. तो पहला question इसमें मैंने जो लिया है वो mainly first law पे based है. Okay, so question पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें करना क्या है, and इस question को आप खुद से पहले try करना and then you will see the solution. Okay, now the question says कि एक cylinder piston assembly है हमारे पास जिसमें एक monatomic ideal gas है. Okay, now पिस्टन और सिलेंडर जो है वो परफेक्टली फ्री मूव है, मूव करने के मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है. पिस्टन बहुत इजीली अप डाउन हो सकती है, और उस सिलेंडर पिस्टन असेंबली को हमने 100 जूल ऑफ हीट सप्लाई किया. तो बताना है कि गैस ने उस 100 जूल ऑफ हीट को एक्वायर करने के बाद कितना वर्क किया होगा. एक और इसमें हिंट या एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि जो प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन होने वाला है वो बहुत स्लो होने वाला है. ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. और हिंट ये है कि पहले आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि ये कैसा प्रोसेस है. एक बार आप प्रोसेस कैसा है वो आइडेंटिफाई कर लोगे तभी इस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर पाओगे. ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन. तो सबसे पहले बच्चों, फॉर ए स्लो प्रोसेस विद फ्री पिस्टन, अगर पिस्टन फ्री है मूव करने के तो वो प्रोसेस आइसोबारिक होता है या कॉन्स्टेंट प्रेशर का प्रोसेस होता है. क्यों? क्योंकि किसी भी टाइम पे पिस्टन जो होगी वो इक्विलिब्रियम में रहेगी अगर प्रोसेस स्लो है तो, और इक्विलिब्रियम में रहेगी तो बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर एक मतलब नेट फोर्स जीरो करने के लिए कांस्टेंट वैल्यू एज्यूम कर लेगा. सो अंदर का प्रेशर टाइम के साथ ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहेगा. सो उस क्वेश्चन के लैंग्वेज से आपको यह समझना है कि प्रेशर ऑफ द प्रोसेस इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, और दिस इज गोइंग टू बी एन आइसोबारिक प्रोसेस. डायरेक्ट लैंग्वेज में भी लिखा हो सकता था कि दिस इज गोइंग टू बी एन आइसोबारिक एक्सपेंशन, तब तो और अच्छा था, बट इस तरह से भी लिखा हो सकता है. नाउ ये दिया हुआ है कि क्यू 100 जूल्स है जो हमने सप्लाई किया. मान लेते हैं उस समय उसकी टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गई, उसके नंबर ऑफ मोल्स एन है. तो हमें पता है कि किसी भी प्रोसेस के लिए हम हीट एडेड इक्वल टू एन सी डेल्टा टी लिख सकते हैं. नाउ सी की वैल्यू प्रोसेस पे डिपेंड करेगी, तो अगर कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस है तो सी की वैल्यू सीपी हो जाएगी. ओके, कोई और प्रोसेस होता तो उसके लिए सी की वैल्यू उस प्रोसेस वाली सी होती. तो कांस्टेंट प्रेशर वाले प्रोसेस के लिए क्यू इज गोइंग टू बी एन सीपी डेल्टा टी, एंड दैट इज 100 जूल्स. तो ये एक इक्वेशन बन गया हमारे लिए. ओके, नाउ हमें पता है कि किसी भी प्रोसेस के लिए हम यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं, एंड डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, दैट इज ट्रू फॉर एनी प्रोसेस बिकॉज डेल्टा यू और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन नॉट अ पाथ फंक्शन, राइट. सो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी हमने लिख लिया. नाउ बाय फर्स्ट लॉ वर्क डन इज इक्वल टू क्यू माइनस डेल्टा यू, तो क्यू एन सी पी डेल्टा टी है, यू एन सी वी डेल्टा टी है, सी पी माइनस सी वी आर होता है, सो वर्क डन आ जाएगा एन आर डेल्टा टी. या फिर इसको तुम इस तरह से भी सोच सकते हो कि वर्क डन कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस में पी डेल्टा वी होगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन में बाहर आ जाएगा. डेल्टा वी का मतलब क्या, चेंज इन वॉल्यूम, सो वी टू माइनस वी वन, और पी वी टू एन आर टी टू होता है, पी वी वन एन आर टी वन होता है, सो दिस विल बिकम एन आर टी टू माइनस टी वन विच इज एन आर डेल्टा टी. तो आइसोबारिक प्रोसेसेस में वर्क डन बाई गैस जो होता है वो एन आर डेल्टा टी होता है, उसको क्यू माइनस यू से भी तुम निकाल सकते हो और डायरेक्टली पी डेल्टा वी से भी निकाल सकते हो. नाउ डब्ल्यू एन आर डेल्टा टी आ गया बच्चों, Q जो है वो एन सी पी डेल्टा टी आ गया, तो W बाई क्यू क्या हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी बाई एन सी पी डेल्टा टी. एन डेल्टा टी एन डेल्टा टी कैंसिल हो जाएंगे, वी विल गेट R बाई सी पी. नाउ ये एक मोनोटॉमिक गैस था, राइट, और मोनोटॉमिक गैस के लिए याद होगा तुम्हें कि सी पी जो था वो 5R बाई 2 होता है और सी वी 3R बाई 2 होता है. तो अगर याद ना रहे आपको तो आप ऐसे ही याद रखना कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होते हैं, तो सी वी F बाई 2R यानी 3 बाई 2R हो जाएगा, और उसमें आपने R ऐड कर दिया तो आपको सी पी मिल जाएगा. बट डायरेक्ट याद हो तो बहुत बेहतर है ना. नाउ R बाई सी पी, सी पी की वैल्यू 5R बाई 2 पुट की, सो दिस बिकम 2 बाई 5. नाउ Q दिया हुआ है 100, सो W आ जाएगा 2 बाई 5 इंटू 100 यानी 40 जूल्स. सो 40 जूल्स इज गोइंग टू बी द आंसर. ओके, तो सिंपल सा फंडा है, आइसोबारिक प्रोसेस में Q को NCP डेल्टा टी पुट करना है, W को NR डेल्टा टी पुट करना है, और U को NCV डेल्टा टी पुट करना है, और U का जो फॉर्मूला वो तो सब में वही है. ओके, और बस रेशियोज लेने और चीजों को सॉल्व करना है. ओके, ऐसे में ये पूछा सकता था कि कितना परसेंट ऑफ हीट वर्क में यूज हो रहा है, तो 100 में से 40 यूज हो रहा है यानी 40% यूज हो रहा है ना. कितना परसेंट इंटरनल एनर्जी में जा रहा है, तो 60% जा रहा है. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन ऑन फाइंडिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेस. ओके, और एक ऐसा क्वेश्चन नीट में पहले भी 2 या 3 साल पहले आ चुका है, तो उसी को मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके फिर से दिया है ताकि अगर नीट इस तरह के क्वेश्चन फिर से रिपीट करे तो आप इसे सॉल्व कर पाओ. ओके, द क्वेश्चन सेज कि एक पिस्टन सिलेंडर असेंबली है जिसमें एक्सपेंशन इस तरीके से हो रही है कि पी इंटू टी कॉन्स्टेंट है.
मतलब अजीब है राइट, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो ऑफकोर्स यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगी। यहाँ पे प्रोसेस ऐसा हो रहा है कि प्रेशर इनटू टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसे प्रोसेस के लिए एयर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी ये बतानी है। ओके, और एयर को आप डायटोमिक गैस की तरह ट्रीट करोगे, आई होप यू नो दैट। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू हैव नो क्लू अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन देन सी द सॉल्यूशन। ओके, नाउ यू शुड रिमेंबर दिस बाय हार्ट दैट अगर कोई भी एक ऐसा प्रोसेस हो रहा हो जिसमें पी वी टू द पावर एक्स कॉन्स्टेंट होता हो, अब एक्स की वैल्यू अलग 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 प्रोसेसेस के लिए हो सकती है, तो कोई भी प्रोसेस में अगर पी वी टू द पावर एक्स कॉन्स्टेंट हो तो उसके लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आती है वो सी वी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स आ जाती है। रट लो इस फॉर्मूले को। ओके, नाउ हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में वो पी वी पे तो दिया हुआ नहीं है, वो पी और टी के बीच में दिया हुआ है। तो सबसे पहले पी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट को पी वी टू द पावर एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे हम, ताकि हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकें। ओके, नाउ हमें पता है टी इक्वल टू पी वी बाई एन आर होगा किसी भी आइडियल गैस के लिए, एयर को हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो टी की जगह पी ने पी वी बाई एन आर रख दिया, अब ये पी स्क्वायर वी बाई एन आर आ गया। नाउ एन आर तो कॉन्स्टेंट होता ही है राइट, सो पी स्क्वायर वी कॉन्स्टेंट हो गया, दोनों तरफ रूट ले लो, कॉन्स्टेंट का रूट कोई कॉन्स्टेंट ही आएगा, और इधर आ जाएगा पी वी टू द पावर हाफ। सो पी वी टू द पावर हाफ का मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई वहां पे, 1/2। सो इस प्रोसेस के लिए जो सी की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सी वी प्लस आर डिवाइडेड बाई 1 - 1/2। नाउ सी वी जो होगा वो डायटोमिक गैस के लिए 5/2 आर होगा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। सो 5/2 आर प्लस 2 आर, यानी आंसर आ जाएगा 9/2 आर। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। नाउ यहाँ पे ये बात भी दिमाग में रख लो कि हो सकता है ऐसा पूछा जाए तुमसे कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना था तो उसके लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो अब किसी भी प्रोसेस के लिए क्यू क्या लिखते हैं हम, एन सी डेल्टा टी, तो सी की वैल्यू हमने निकाल ली, डेल्टा टी पता है, एन पता है, पुट कर दिया, वी विल गेट द आंसर। सो मेनली जो काम है वो सी निकालने का है, बाकी सब तुम आराम से कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भाई वर्क कितना हुआ होगा, तो पता है कि सी इक्वल टू सी वी प्लस आर बाई वन माइनस एक्स है, तो ये जो सी वी है वो तो इंटरनल एनर्जी की वजह से है, क्योंकि याद होगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा हम एन सी वी डेल्टा टी लिखते हैं। सो दिस पार्ट इज फॉर इंटरनल एनर्जी, तो ये जो बचा वो पार्ट किसके लिए, वर्क के लिए। तो वर्क डन विल बी एन इंटू आर बाई वन माइनस एक्स इंटू डेल्टा टी, या फिर ऐसे सोच सकते हो कि सी निकाल लिया इस फॉर्मूले से, ना सी निकाल लिया तो डेल्टा क्यू आ जाएगा, डेल्टा क्यू निकाल लिया डेल्टा यू निकल ही जाता है हर प्रोसेस के लिए, एनसीवी डेल्टा टी से दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो वर्क आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से सॉल्व कर लेना, बट इतना टफ क्वेश्चन कुछ आएगा नहीं बच्चों। अगर कोई ऐसा रैंडम सा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आ रहा है तो उसके लिए आपको नॉर्मली सिर्फ सी निकालने के लिए पूछा जाएगा, और उसका तरीका मैंने बता दिया। और याद रखना कि पी वी टू द पावर एक्स के फॉर्म में जब तक कन्वर्ट नहीं करोगे उसे, तब तक तुम इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, सो कभी भी कुछ भी दिया उसे पी वी टू द पावर एक्स में कन्वर्ट कर लेना है, और अगर डायरेक्ट पहले से पी वी टू द पावर एक्स में दिया हुआ है तब तो फिर सुभान अल्लाह। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज स्लाइटली ट्रिकी बट इट्स नॉट दैट टफ, मैंने डाटा थोड़ा सिंपल लिया है ताकि आपको कैलकुलेशन में डिफिकल्टी ना हो। नाउ विजुलाइज दिस क्वेश्चन, दीज आर योर ऑप्शन एंड देन वी विल डिस्कस द सॉल्यूशन। नाउ पहले इस पूरे प्रोसेस को हम अच्छे से समझते हैं, यहीं पर समझ लेते हैं। ओके, नाउ हमने मान लो स्टार्ट किया यहां से, ठीक है, शुरू में हमने वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रख के प्रेशर बढ़ाया, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा होगा एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो हमने हीट ऐड की होगी। सो ये प्रोसेस हीट ऐड कर रहा है। अब इसमें हमने कॉन्स्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ाया तो अगेन टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो यहां पर भी हमने हीट ऐड की होगी। यहां पे टेम्परेचर घट रहा होगा क्योंकि प्रेशर घट रहा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो यहां पे हीट रिजेक्ट हुई होगी। यहां पे भी टेम्परेचर घट रहा है तो यहां पे भी हीट रिजेक्ट हुई होगी। तो चारों प्रोसेस में, दो प्रोसेस में हम हीट ऐड कर रहे हैं, दो में हीट रिजेक्ट कर रहे हैं, और टोटल हीट एडेड माइनस टोटल हीट रिजेक्टेड विल बी इक्वल टू नेट वर्क डन, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओवर ए साइकिल जीरो होता है, या फिर वर्क डन हम एरिया ऑफ लूप से भी निकाल सकते हैं। ओके, नाउ एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें पता है वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट होता है, बट कौन सा हीट, सिर्फ हीट इनपुट, क्योंकि जो रिजेक्ट हो गया वो तो वेस्ट हो गया ना, हमने जो दिया वो तो क्यू इनपुट दिया, और जो वर्क हमने किया वो तो सिर्फ डब्ल्यू किया। सो एफिशिएंसी विल बी डब्ल्यू बाय क्यू इन। ओके, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो हमने यहां पे डिटरमिन कर लिया कि इन दोनों में हीट ऐड हो रहा है, तो हमें हीट एडिशन के लिए सिर्फ इन दोनों प्रोसेसेस का क्यू निकालना है, इन दोनों प्रोसेसेस का क्यू निकाल कर कोई फायदा नहीं होगा। और वर्क डन पहले हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो वर्क डन निकालने के लिए दो तरीके हैं, पहला टोटल क्यू इन माइनस टोटल क्यू आउट, जो कि थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, दूसरा, और वो तो कभी कभी शॉर्ट पड़ जाता है जब एडियाबेटिक प्रोसेसेस हो, ताकि एक दो क्यू जीरो हो जाए तो फिर बड़ा आसान हो जाता है सॉल्व करना, बट अभी तो लंबा ही पड़ेगा वो। सो अभी वर्क डन निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इस रेक्टेंगल के अंदर का एरिया निकाल लो। ओके, एंड दैट एरिया इज गोइंग टू बी 2P0 - P0, यानी ये पी नॉट बाय इनटू वी नॉट, सो पी नॉट वी नॉट। नाउ मान लेते हैं कि इस समय टेम्परेचर टी नॉट था, ठीक है, तो यहां पे पी नॉट वी नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन आर टी नॉट के इक्वल। सो वर्क डन इज गोइंग टू बी एन आर टी नॉट, वेयर टी नॉट इज टेम्परेचर एट दिस पॉइंट, वन पॉइंट। ओके, नाउ अगर यहां पे टेम्परेचर टी नॉट है बच्चों, प्रेशर को डबल किया कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे,
तो टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा बाई पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पर टेम्परेचर अगर टी नॉट है तो यहाँ टू टी नॉट हो गया। अगेन मैंने कॉन्स्टेंट प्रेशर पर वॉल्यूम को डबल किया है तो वॉल्यूम को डबल करने पर टेम्परेचर फिर से डबल हो जाएगा। तो यहाँ जब टू टी नॉट था यहाँ फोर टी नॉट हो जाएगा। ओके सो टी नॉट टू टी नॉट फोर टी नॉट। नाउ क्यू इन निकालने के लिए हमें यहाँ का एक क्यू इन निकालना है यहाँ का क्यू इन निकालना है। वन से टू में जो क्यू इन होगा वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे है सो वी विल यूज द एक्सप्रेशन एन सी वी डेल्टा टी। और ये वाला कॉन्स्टेंट प्रेशर पे है तो एन सी पी डेल्टा टी। सो एन सी वी टी टू टी नॉट माइनस टी नॉट प्लस एन सी पी फोर टी नॉट माइनस टू टी नॉट दिस विल कम आउट टू बी दिस। नाउ ईटा एच डब्ल्यू बाई क्यू इन तो हमने वैल्यू पुट कर दी दिस डिवाइडेड बाय दिस एंड द ओवरऑल एक्सप्रेशन केम आउट टू बी आर डिवाइडेड बाय सी वी प्लस टू सी पी। नाउ अगर मोनोटॉमिक गैस दिया होता तो उसकी सी वी सी पी हम पुट करते एफिशिएंसी आ जाती। डायटॉमिक दिया होता तो उसके लिए पुट करते एफिशिएंसी आ जाती। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक प्रोसेसेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम एक क्वेश्चन कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेशन से करते हैं। एंड रिमेंबर दिस बच्चों कि पिछले चार सालों से शायद पांच सालों से हर साल एक क्वेश्चन कार्नोट इंजन या रेफ्रिजरेशन पे आया ही आया है एंड आई डोंट थिंक दिस ईयर वुड बी एन एक्सेप्शन बिकॉज नीट लव जस्ट लव्स टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम रेफ्रिजरेशन। ओके तो जब हर साल एक क्वेश्चन आया तो इस साल भी आ सकता है सो लर्न द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेल। ओके नाउ क्वेश्चन ये दिया हुआ कि कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 60% है। नाउ उसी इंजन को इस तरह से रिवर्स कर दिया गया कि वो एक रेफ्रिजरेटर की तरह यूज कर रहा है। हम उसे यूज कर रहे हैं ठीक है। नाउ उस रेफ्रिजरेटर में हम 600 वॉट इलेक्ट्रिकल पावर की इनपुट दे रहे हैं तो वो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रेफ्रिजरेटर के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा या निकाल रहा होगा क्योंकि रेफ्रिजरेटर का काम तो अंदर से हीट निकालना ही है ना और उसके लिए हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं 600 वॉट की तो बताना है कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट वो निकाल रहा होगा रेफ्रिजरेटर से। ओके नाउ रिमेंबर कि रेफ्रिजरेटर इज रिवर्स ऑफ कार्नोट। ओके नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो कार्नोट इंजन को पहले हम समझते हैं। कार्नोट इंजन में सोर्स होता है कुछ टेम्परेचर पे मान लो T1, सिंक है मान लो टेम्परेचर T2 पे। तो हम T1 से हीट लेते हैं T2 पे छोड़ देते हैं एंड हमें पता है कि कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी आती है वो 1 माइनस T2 बाई T1 आती है राइट। इसका डेरिवेशन आई होप आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो फिर आप मेरे थर्मोडायनेमिक्स वाले कोर्स का वेट कीजिए या किसी बुक में देख लीजिए। सो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 1 माइनस T2 बाई T1 एंड दैट इज गिवन एज 0.6। सो T2 बाई T1 आ गया 0.4। सो ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर से 0.4 टाइम्स है। ओके डन, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब उसके आगे बात करते हैं ठीक है। तो यहां पे हमने जब इसे रेफ्रिजरेटर की तरह यूज करना शुरू किया तो हमने इसी इंजन को रिवर्स कर दिया। तो हम T2 में हीट दे रहे थे अभी और T1 से निकाल रहे थे, अब हम T2 से निकालेंगे और T1 में देंगे ठीक है। सो दिस विल बी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एंड हम लोअर टेम्परेचर से अपर टेम्परेचर की तरफ हीट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बाहर से वर्क देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ राइट। तो हमने कुछ वर्क डन कर दिया उस पर डब्ल्यू। नाउ मान लिया हमने कि हीट ली क्यू आउट रेफ्रिजरेटर के अंदर से और बाहर रिलीज की कितनी क्यू इन और हमने वर्क किया डब्ल्यू। तो हमें पता है कि क्यू इन इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई प्लस क्यू आउट होगा बाई एनर्जी कंजर्वेशन। सो डब्ल्यू इज गोइंग टू बी क्यू इन माइनस क्यू आउट राइट। क्यू इन जो है वो T1 टेम्परेचर के अंदर का है और क्यू आउट जो है वो T2 वाले से हमने जो एक्सट्रैक्ट किया है फ्रिज के अंदर से जो एक्सट्रैक्ट किया वो है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और ऐसे ही सोचते हैं कि क्यू आउट जो हमें निकालना था डिवाइडेड बाय डब्ल्यू जो होगा वो हो जाएगा क्यू आउट डिवाइडेड बाय क्यू इन माइनस क्यू आउट। नाउ यू शुड नो कि जो हीट होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल आता है कार्नोट इंजन में। ओके सो क्यू आउट बाई क्यू इन जो होगा वो T2 बाई T1 हो जाएगा सिंपली। तो क्यू आउट की जगह हम T2 लिख देंगे, क्यू इन की जगह T1 लिख देंगे, फिर क्यू आउट की जगह T2 लिख देंगे क्योंकि कार्नोट इंजन्स में या कार्नोट के जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनमें जो हीट होता है वो टेम्परेचर के ही प्रोपोर्शनल आता है। सो नाउ T2 बाई T2 T1 माइनस T2 हो गया ठीक है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों को T1 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा T2 बाई T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस T2 बाई T1। नाउ T2 बाई T1 0.4 था, हमने पुट किया तो 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 यानी 2/3। सो क्यू आउट बाई W आ गया 2/3 तो क्यू आउट आ गया W इंटू 2/3। नाउ ये W वर्क डन था। अब वर्क डन जो दिया हुआ 600 वॉट दिया हुआ राइट, मतलब पर सेकंड में 600 वॉट दिया हुआ। तो ये जब 600 वॉट है तो क्यू आउट जो होगा वो 400 वॉट हो जाएगा यानी पर सेकंड कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे 400 वॉट। नाउ इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी है कि रेफ्रिजरेटर जो होती है उसकी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा क्यू आउट बाय डब्ल्यू वो सिंपली 1 माइनस ईटा बाय ईटा होती है वेयर ईटा इज एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। सो क्यू आउट बाय डब्ल्यू कैन डायरेक्टली बी रिटन एज 1 माइनस ईटा डिवाइडेड बाई ईटा वेयर ईटा इज एफिशिएंसी। तो उससे भी 0.4 बाई 0.6 आ जाएगा एंड अगेन आंसर यही आ जाएगा। ओके बट मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज नहीं किया क्योंकि बहुतों को फॉर्मूला याद नहीं होता तो मैंने प्रिंसिपल से बताया इसे कि किस तरह से हम सोर्स को सिंक बना देते हैं और सिंक को सोर्स बना देते हैं और किस तरह से हम फर्स्ट एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के बाद क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टू टी यूज करके हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड द डिस्कशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस एंड इफ यू लाइक दीज वीडियोज़
प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस.